शिव क्या कर रहा है यहाँ पे? किसको धक्का मार दिया? मुझे। अरे बाप रे, कहाँ चोट लगी देखे? चोट तो नहीं लगी, बस कितने जीते बची। हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? अच्छा चुप चुप बोलो। तो घर का भी पेंट का काम ऑलमोस्ट होने वाला है, 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी घर पे हूँ, 12:30 बज रहा है, क्योंकि मैं घर की क्लीनिंग करवा रहा था, खास करके अपने रूम की और पीछे किचन की। तो मेरे पीछे किचन की हालत खस्ता हो गई है, तो आज मैं सफाई करवा रहा हूँ उसकी। जब से होटल खुला तब से कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, इतना बढ़िया मैंने अपना किचन बनवाया, तब बेकार पड़ा हुआ है। हाँ चढ़ जाओ, मैं बहुत मजबूत है। तो फाइनली मेरे किचन की भी डीप क्लीनिंग हो गई है, अब अच्छा लग रहा है। देखो ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। तो आज है 19 अक्टूबर और अभी बज रहे हैं 2:30। 3-4 ऑर्डर लगे हुए थे, वो निपटा दिए हैं और अभी बन रहा है स्टाफ के लिए खाना। और जनरली स्टाफ के लिए बनता है लाइक दिन में तो कुछ फ्रेश बन जाता है, लाइक तहरी हो गया या दाल चावल हो गया या फिर सब्जी रोटी हो गया। और शाम को अगर खाना क्या कहते हैं बचा रहता है, लाइक शाम को जो ऑर्डर्स निपट जाते हैं, खाना बच जाता है, वो स्टाफ में चल जाता है, दाल हो गया, सब्जी हो गया, जो कुछ भी बच जाता है तो वो स्टाफ खा लेता है। और बाकी कस्टमर्स के लिए हमेशा फ्रेश खाना बनता है सुबह, और वेस्टेज ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि अब आइडिया लग चुका है खाना कितना जाता है कितना नहीं आता है, और अगर कुछ कम भी पड़ जाता है तो तुरंत बन जाता है। बड़ी जबरदस्त बनी है, सोया भी डाल दिया क्या? हाँ बहुत जबरदस्त बनी। तो अभी एक हॉट कॉफी का ऑर्डर आ गया है और शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं बिना किसी मशीन के मैं हम लोग कॉफी कैसे बनाते हैं, हॉट कॉफी। और ये कॉफ़ी का 10 रुपये वाला पाउच है, इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है और अब इसमें डाल रहा हूँ 3-4 चम्मच चीनी। डिपेंड करता है कितना स्वीट चाहिए आपको। पानी दो। और अब मैंने डाल लिया इसमें पानी, और पानी बहुत कम डालना है, इतना कि खाली चीनी के लेवल तक आ जाए। और बस अब इसको 2-3 बार चला लेना है हार्डली 15-20 सेकंड तक, ताकि एक फ्रॉथ बन जाए और सब कुछ डिसॉल्व हो जाए आपस में, और इसी फ्रॉथ से झाग बन जाएगा कॉफ़ी के ऊपर। और बहुत ही सिंपल है। और बगल में मैंने रामचंद्र को बोल दिया है दूध गर्म करने के लिए, और दूध में मैं पानी नहीं मिलाता हूँ बिल्कुल भी कॉफ़ी में खास करके। और बस 2 बॉयल आने तक इसको बॉयल कर लेना है। और बस इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर एंड कॉफी इज डन। थोड़ा
तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और सफाई चल रही है। तो होटल लाइन में यही सबसे ज़्यादा वो रहता है, रात में सफाई करके ही निकलना पड़ता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय। और जाते जाते मुझे लग रहा है 11:30 बज जाएगा। चलो चलो जल्दी दिखाओ ड्रेस कौन सी आई है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ वाह, वाह वाह, ये तो रिशु कूल लगेगा। ब्लड कैसे लग गया?